हाय फ्रेंड्स, स्टेलास किचन में आपका स्वागत है। हमने कल बुधवार की रेसिपी नहीं डाले, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। आज हम जनजनित महाराष्ट्र स्टाइल में मिसल पाव बनाने जा रहे हैं सफ़ेद बटाने की। उसके लिए हम मसाला को पहले भून कर लेंगे। अभी मसाला भूनने के लिए हम थोड़ा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। अभी इसमें हम सूखा नारियल डालेंगे, एक आधा बाटी हमने लिया है। आप चाहे तो गीला नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी काट कर ऐसे टुकड़ों में या तो खींच कर उसे भी भून कर ले सकते हैं। आज हम मसाला पीस कर बनाने जा रहे हैं, रेडीमेड मसाला का नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम 3 कश्मीरी मिर्ची, 2 तीखी वाली मिर्ची डालेंगे और एक जायत्री का टुकड़ा डालेंगे, 2 हरी इलायची, 1 स्टार फुल छोटा सा दालचीनी का एक टुकड़ा, 2 लवंग। अभी इसमें जाएगा अक्खा धनिया 1 से 1.5 चम्मच, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 10 से 12 काले मिर्च। इसे हमें अच्छे से भूनना है। अभी इसमें हम 1 चम्मच भरकर सफ़ेद तिल डालेंगे। अभी 1 चम्मच हम खसखस डालेंगे। अभी थोड़ा गर्म में हम इसे पलटी करके लेंगे, क्योंकि हमें जलाना नहीं है। अब हम गैस बंद कर देंगे और मसाला को ठंडा करने छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका पेस्ट बना कर ले लेंगे अच्छे से। हमने मसाले में अदरक और लहसुन डालना भूल गए थे, इसके लिए इसे अलग से हम थोड़ा सा भून कर लेंगे। लहसुन हमने लिया है 10 से 15 और 1.5 इंच हमने अदरक लिया है, क्योंकि आप मसाला के साथ नहीं भून सकते, क्योंकि उसमें खसखस और सफ़ेद तिल पहले ही डाल चुके थे, नहीं तो जल जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल करके 1/2 चम्मच इसे भून कर मसाला के साथ ही पीस कर ले लेंगे। ये देखिए, लहसुन और अदरक भी भून कर हो चुका है। अभी इसमें इसे भी हम मसाला के साथ डालकर पीस कर ले लेंगे। ये देखिए, हमने पेस्ट बना कर ले लिया है, इसे अब हम साइड में रख देंगे। ये सफ़ेद वटाना हमने लिया है, इसे हमने बॉईल करके ले लिया है। 1 दिन पहले हमने भिगो के रखा था, 4 सीटी में हमने पका के ले लिया है। इसमें हमने हल्दी और नमक थोड़ा सा डाल दिया था। अभी ये आलू भी हमने इसके साथ ही उबालने के लिए डाला था, इसे हमने थोड़ा सा तड़का दिया है, राई और कांदा डाल के तड़का देकर मसाला बना कर लिया है। आप चाहे तो पटेटो को ऐसा भी स्मैश करके रख सकते हो, अगर चाहिए तो आपको पटेटो ले सकते हो, नहीं चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हो। चलो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई गर्म भी हो चुका है। अभी इसमें हम तेल डालेंगे। तेल थोड़ा हम ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें तरी आना चाहिए, इसके लिए हम तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। 1-2 बड़े चम्मच भर कर रहेगा, आपके अंदाज के हिसाब से आप ले सकते हो। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम राई डालेंगे और ज़ीरा हम 1/2 चम्मच डालेंगे, क्योंकि हमने मसाले में भी डाला था। ये देखिए, राई और ज़ीरा अच्छे से चटक गई है। अब इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हम हींग डालेंगे। अभी हम प्याज डालेंगे, प्याज 3 मीडियम साइज़ के लिए। कांदा इसमें प्याज ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके लिए ये अपना प्याज तो बहुत महंगा हो चुका है, पता है हमें भी, मगर बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ा सा ये हम हल्दी डालेंगे, कुल मिला के हमने 1/2 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया है। अगर छोटा चम्मच के माप से लेंगे तो 1 चम्मच है, क्योंकि हमने सफ़ेद वटाना पकाने के टाइम पर भी हल्दी का इस्तेमाल किया हुआ है और नमक का भी इस्तेमाल किया, तो वो हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे।
अभी इसमें हम टमाटर डालेंगे, एक हमने बड़ा टमाटर लिया है। अभी टमाटर जल्दी पकने के लिए हम थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हम भुना हुआ मसाला डालेंगे, हमने भून कर पीस कर लिया मसाला। ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है और तेल भी दिख रहा है, देखिए तेल भी सेपरेट हो रहा है। अभी इसमें हम सफ़ेद बटाना डाल देंगे बॉईल किया हुआ। अभी गैस को हम फास्ट करेंगे, पहले हमने मीडियम में रखा हुआ था गैस को, अभी हमने फास्ट कर दिया है। और एक कप हमने पानी का इस्तेमाल करना है क्योंकि ठीक लग रहा है, और भी गाढ़ा होगा क्योंकि इसमें तिल और खसखस डाला हुआ है तो गाढ़ा ही होगा, इसके लिए हम एक कप का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए अच्छे से पक चुका है, यहाँ पे साइड में तरी भी आया हुआ है। हमने इसमें 2 चम्मच बटर का भी इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो डाल सकते हो, तो बटर या तो घी डाल सकते हो या तो दही का भी ऊपर से डाल के आप खा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। हमने ये 1/2 चम्मच का नमक का इस्तेमाल किया था क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले भी नमक डाला हुआ है, इसके लिए अब हम थोड़ा सा ही डालेंगे और हम चाहिए रहेगा तो चेक करके डालेंगे। ये देखिए अच्छे से बन चुका है, अभी इस पर हम हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालकर गैस को बंद कर देंगे। अभी हम प्लेटिंग करेंगे, पहले ये उबाला हुआ आलू रख देंगे। आप चाहिए तो यूं ही रख सकते हैं, इसे तड़का देने की ज़रूरत भी नहीं है, या तो आप उसल में मिक्स कर सकते हो। हम यहाँ पे एक तरफ कांदा और टमाटर रख देंगे, आप चाहे तो ऊपर भी डाल के खा सकते हैं, ऊपर डालेंगे तो भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हमने 2 पाव रखा है, अब इसमें हम फरसान डालेंगे। फरसान के बिना तो आपकी मिसल अधूरी है। अब फिर से हम ऊपर से भी मिसल डाल देंगे। अभी ऊपर से भी हम थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, थोड़ा टमाटर, थोड़ा हरा धनिया। ये देखिए बहुत अच्छे टेस्टी बनती है, महाराष्ट्रियन स्टाइल में हमने बनाया हुआ मिसल पाव बहुत बढ़िया बनता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी रहेगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू, बाय, टेक केयर। और कमेंट का प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।